You are listening to Lunchtime Special with RJ Rabia. All right, जनाब वेलकम बैक वेलकम बैक वेलकम बैक. वापस आने के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में और बताते चलें कि आप प्रोग्राम सुन रहे हैं लंच टाइम स्पेशल. दिस इज मी रबिया राजपूत. प्रोग्राम में आपका हमारा साथ रहता है फ्रॉम मंडे टू सैटरडे 1 बजे से लेकर 3 बजे तक और हम कोशिश करते हैं कि आपको म्यूजिक से एंटरटेन कर सकें. साथ ही हम आपको पता है हमारे जो मंडे टू सैटरडे शोज होते हैं इसमें हम बहुत सारी और भी इन्ग्रीडियंट्स ऐड करते हैं, जैसे कि डॉक्टर खुर्रम हमारे साथ मौजूद होते हैं, रिदा शेफ होती हैं और हमारे साथ मुख्तलिफ मौजूद भी होते हैं, डिफरेंट गेस्ट भी होते हैं, सेलिब्रिटीज भी होते हैं. आज हम बात कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में इस वक्त फिलहाल एशिया कप के हवाले से, द ACC एंड दैट्स हैपनिंग इन UAE. ये एशिया कप जो है बहुत जल्द शुरू होने वाला है. 15th of September को पहला मैच है जो कि बांग्लादेश और श्रीलंका में खेला जाएगा, इन दोनों के दरमियान खेला जाएगा. और दूसरा मैच होगा पाकिस्तान जिसमें सामना करेगा हांगकांग का. बट इस कप की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये एक तो पहली बात तो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है, तो अब दुनिया इतनी ज्यादा डिजिटल और फास्ट हो गई है कि पीपल वॉन्ट टू सी थिंग्स बहुत जल्दी से फिनिश करना चाहते हैं बिकॉज दे डू नॉट हैव टाइम मैच. तो ये तो बात रही. दूसरा इस कप की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत और पाकिस्तान भी आमने सामने होंगे और किसी को इस मैच के या इस टूर्नामेंट के किसी और शो की या किसी और मैच की डिटेल्स पता हो या ना हो, पाकिस्तान इंडिया के मैच की डिटेल्स पता है. इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मुंबई रेडियो में जिस वक्त मौजूद हैं सुरेन. अस्सलाम वालेकुम. अरे सलाम वालेकुम आपको और पूरे पाकिस्तान को. यार क्या अजीब सी फीलिंग है मेरे दिल में कि आज मैं एक्चुअली अपने देश में नहीं अपने पड़ोसी देश में सबसे बात कर रहा हूँ. इट्स अमेजिंग रबिया, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच, इट्स प्लेजर हैविंग यू. और बड़ा जबरदस्त लग रहा है, ये तो मुझे कोई ऐसा मोमेंट लग रहा है जो कि सुनहरी हुर्फों में लिखा जाएगा हमारे रेडियो स्टेशन पर भी और हमारी पूरी रेडियो की इंडस्ट्री में भी, बिकॉज इट्स ग्रेट थिंग हैपनिंग. लाइक हमने अभी रिसेंटली देखा है कि सिद्धू पाजी आते हैं और हम उनको बहुत वेलकम करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं और फिर उनका रिस्पॉन्स देखते हैं कि वो कितनी लाजवाल एकदम मोहब्बत से रिटर्न देते हैं और उनका अंदाज भी खैर बहुत ही मुनफरिद है. तो वी वेलकम एंड वी लव और हम यही देखना चाहते हैं पीस दोनों कंट्रीज के दरमियान, बिकॉज अल्टीमेटली जो एक आम इंसान है वो तो मोहब्बत ही देखना चाहता है. बिल्कुल सही बोल रही हैं आप, बिकॉज आई थिंक जितने भी क्रिकेटर्स हैं चाहे ऑन द फील्ड वो बहुत ही फियर्स कंपेटिटर्स हों, लेकिन जब मैच खत्म होता है उस टाइम पे जब ये सारे क्रिकेटर्स जो हैं वापस जा रहे होते हैं, मैंने वो दोस्ती देखी है. मतलब मैंने यूट्यूब पे ऐसे कई वीडियोस देखे हैं जहां पे वसीम भाई सचिन के साथ बात करा करते थे, उनकी फैमिली के बारे में पूछा करते थे. द डॉक्यूमेंट्री स्टिल देयर 99 जो सीरीज हुई थी हिंदुस्तान में. लेकिन यू नो जब बात आती है क्रिकेट की, आई डोंट नो, मैं जब बचपन से क्रिकेट देख रहा हूं इवन दो शायद हमारी टीम्स जो हैं वो अब उतनी ज्यादा लाइक स्ट्रांग नहीं है जैसे 90s की टीम हुआ करती थी, बट दिस ऑलवेज दिस थिंग के यार पाकिस्तान के साथ मैच है, जीतना बहुत जरूरी है. एंड आई एम श्योर आपके लिए भी वहां पे ऐसा ही होगा क्योंकि पिछली बार जब हम चैंपियंस ट्रॉफी में खेले थे मेरा तो दिल टूट गया था जब मोहम्मद आमिर ने मतलब विराट कोहली का विकेट ले लिया था. मैंने बोला यार अब तो ये मतलब अगले एक साल के लिए सुनाएंगे हमें, भी मना दिया. अच्छा बहुत सारी मरतबा ये जो हार और जीत के फैसले होते हैं ये इस वजह से नहीं होते हैं क्योंकि आपको लग रहा होता है कि मैच इस तरफ जा रहा है, इस वजह से होते हैं क्योंकि वो प्रेशर इतना बिल्ड हो चुका होता है. तो एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम. लाइक रवि यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज सी एक चीज जो है वो समझना जरूरी है दैट जब हमारी जो दो टीमें खेलती हैं यू नो फील्ड पे द होल आर्क राइवल वाला थिंग या जो हमें लगता है कि ये प्रेशर है वो इसलिए है बिकॉज देर इज अ पोलिटिकल हिस्ट्री टू अस एंड पोलिटिकल हिस्ट्री की वजह से बहुत सारी बातें जो है वो सामने निकल के आती हैं. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी फॉरगेट दैट इट्स अ गेम, इट्स अ गेम दैट इज बीइंग प्लेड बिटवीन स्पोर्ट्स पर्सन एंड बिकॉज ये गेम है तो हम सारे जो फैंस हैं हम बड़े पैशनेटली अपनी टीम्स को सपोर्ट करते हैं. अगर वो पॉलिटिकल प्रेशर ना होता, अगर वो पॉलिटिकल हिस्ट्री ना होती तो शायद हम लोग भी बाकी दो टीम्स की तरह होते जैसे श्रीलंका और बांग्लादेश खेल रहे हैं, उनके बीच में नहीं है तो इसलिए उनका गेम जो बहुत रेगुलर होता है. वही पाकिस्तान और इंडिया के इस केमिस्ट्री की वजह से ये कितना ज्यादा देखा जाता है और मैच कितना ज्यादा कमर्शियल हो जाता है. देयर आर थिंग्स दैट हैपन, लाइक लोग कहते हैं कि अच्छा हमारे जो रिलेटिव्स हैं भारत में और आपके जो यहाँ पर जाने वाले लोग हैं, दोस्त हैं जो कि सोशल मीडिया के थ्रू दे टॉक एंड दे सपोर्ट. बहुत सारी मतलब ऐसा होता है पाकिस्तान में रहने वाले भारत की टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं बिकॉज उनके पास रीजन होता है.
बिल्कुल सही बोल रही हैं आप. इनफैक्ट अगर आप मुझसे बात करें, मेरी अगर मैं बात करना चाहूं, तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं. जैसे आपके यहाँ पे एक क्रिकेट बैट बनता है जो सीए नाम की कंपनी बनाती है, राइट? राइट. तो ये बैट जो है, मैं अपनी क्रिकेट टीम में अभी भी खेलता हूँ, तो मैंने अपने वहां पे एक दोस्त हैं, उनको कह रखा है कि ये बैट जो है मुझे प्लीज हिंदुस्तान भिजवा दीजिए, और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं. आपके कई सारे सिंगर्स जो हैं वो मेरे अच्छे दोस्त हैं. अली जफर बहुत अच्छे दोस्त हैं, शिराज उपल जो हैं वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक जुनून के सलमान अहमद साहब हैं जो बहुत अच्छे दोस्त हैं. एंड बाय द वे, मैं दो दोस्तों को डेफिनेटली यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ, बिकॉज वो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कॉन्सर्ट के लिए आए थे. उनका कॉन्सर्ट मैंने यहाँ होस्ट किया था. मैं बात कर रहा हूँ बिलाल मकसूद एंड फैजल कपाडिया की, जिन्होंने स्ट्रिंग्स नाम के बैंड के साथ नाम शोहरत सब कुछ कमाया. लेकिन अब जो वो कोक स्टूडियो में कर रहे हैं ना यार, उसका तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, बिकॉज आई थिंक कोक स्टूडियो इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट हैज हैपेंड टू म्यूजिक अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट जस्ट पाकिस्तान, नॉट जस्ट इंडिया. या और अभी रिसेंटली मैं बताऊं अपने एक्सपीरियंस के, एक टेलीविजन शो में देख रही थी और उसमें इंटरेस्ट डेवलप होने के साथ साथ एक्टर से इंस्टाग्राम पे इंटरेक्ट होने के साथ उस पता ये चला कुछ अरसे बाद उस ड्रामा सीरियल के अंदर रेडियो भी ऐड हो जाता है. आई नो लाइक अच्छा आप एक्टर हैं, आप रेडियो कर रहे हैं, हाउ इज योर एक्सपीरियंस गोइंग? और अब दो आरजे जो हैं डिफरेंट बॉर्डर्स से बात कर रहे हैं आपस में क्रिकेट के हवाले से, दैट्स वन थिंग क्रिकेट जो कि बहुत सारी जगह आपको एक कर देता है, एंड इट इज फॉर द लव ऑफ क्रिकेट. क्या आप बात कर रहे हैं, ठीक है आप अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, दैट्स योर लव फॉर योर क्रिकेट एंड फॉर योर कंट्री, लेकिन एंजॉय कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, और हमारे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो पॉलिटिक्स चलती रहती है और जो चीजें होती रहती हैं उसकी वजह से क्रिकेट को कितना फायदा होता है. यू नो यू आर एब्सोल्युटली राइट रबिया, बिकॉज अभी सोचो ना कि ये मैच जो हो रहा है एशिया कप में, इससे पहले हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी में खेले थे, चाहे कुछ हो या ना हो, चाहे हम लोग एक प्रॉपर बायलैटरल सीरीज जो है चाहे वो इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो, खेले ना खेले, लेकिन कम से कम इस बहाने तुम्हारी मेरी बात तो हो गई. Exactly. इस बहाने कम से कम ये जो फासला था ये तो कम हो गया है. कि दो लोग जो दोपहर का शो कर रहे हैं उनकी बात हो रही है, एंड मे बी द एक्सक्यूज इज क्रिकेट, बट एट द एंड ऑफ द डे चलो बात तो हुई, इस बात की तो खुशी है. और हम बताएं कि हम आपका म्यूजिक सुनते भी हैं, पसंद भी करते हैं, इसको अप्रिशिएट भी करते हैं. जैसे आपने कहा कि कुक स्टूडियो बड़ा जबरदस्त हो गया फॉर द लव ऑफ म्यूजिक, इसी तरीके से फॉर द लव ऑफ म्यूजिक वी लिसन टू ऑल द म्यूजिक दैट इज कमिंग फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम द वर्ल्ड, और हम सुनते हैं, पसंद करते हैं. साथ ही अभी जैसे रेडियो मिर्ची की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम नवीद को बहुत ज्यादा सुनते हैं और उनकी जो चीजें हैं यहाँ वायरल होती हैं वी लाफ. तो हमारा कॉमन सेंस या हमारे जोक्स, बाय द वे ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिलहाल बेशक मैं मुंबई में शो करता हूँ, लेकिन नवेद जो है वो दिल्ली से हैं, जो हमारे देश की राजधानी है, एंड नवेद जो है ही इज माय मेंटोर. एक्चुअली जो शायद मैं क्रिकेट के एनालॉजी से ही आपको ये बात समझाना चाहूंगा, जैसे वसीम अकरम के लिए इमरान खान थे जो आपके अब प्राइम मिनिस्टर हैं, वैसे ही मेरे लिए नवेद भाई थे, क्योंकि जब मैंने रेडियो ज्वाइन किया था तो उस टाइम पे नवेद भाई एक बहुत ही अमेजिंग डाउन टू अर्थ सीनियर आरजे थे, तो उन्होंने काफी सारी चीजें सिखाई, और अब वो ऑब्वियसली पूरी दुनिया का मुर्गा बना रहे हैं. लोग जो हैं उनके उन ऑडियो क्लिप्स को फॉरवर्ड करते हैं व्हाट्सएप पे. सो यस, मैं डेफिनेटली नवेद भाई को अभी थोड़ी देर में फोन करूंगा और बताऊंगा कि भाई पाकिस्तान से भी बड़ा प्यार आ रहा है, तो उसको कबूल कर लें आप. मुझे किसी ने ऑडियो क्लिप सेंड किया था, नवीद से बात हुई होगी किसी की यहाँ पर, रेडियो ही के हैं वो, तो उन्होंने कहा कि नवीद ने कहा कि ही वुड लव टू कम एंड वुड लाइक टू डू शो इन पाकिस्तान, अगर वो आते हैं तो ही डेफिनेटली. आई वाज लाइक वाओ रबिया, ये तो यार मेरी भी तमन्ना है, क्योंकि पाकिस्तान आने का सिर्फ ये मकसद नहीं है कि हम रेडियो पे एक शो कर सकें, बिकॉज देयर इज सो मच दैट आई हैव वांटेड टू सी. लाइक एक आपका फूड स्ट्रीट है इफ आई एम नॉट रॉन्ग लाहौर में, राइट? जी, जी. मैं आपको बता नहीं सकता कि जो यहाँ पे मुगलाई खाना बनता है इंडिया में, चाहे वो दिल्ली में हो, पुरानी दिल्ली में जो जमा मस्जिद है उसके पास में, जब मैंने ऐसे आपके शोज देखे हैं जिसमें लाहौर के फूड स्ट्रीट की बात होती है, या मैंने उस आर्ट के बारे में सुना है या उस आर्किटेक्चर के बारे में सुना है, यू नो देयर इज ऑलवेज बीन दिस थिंग के यार एक बार तो लाहौर या फिर कराची जाके खाना खाना है, वहां का आर्ट देखना है, वहां का कल्चर देखना है, वहां पे किसी के साथ क्रिकेट खेलना है सड़कों पे. और उसके बाद अगर मौका मिले तो रेडियो पे शो भी कर लेंगे. बट वन थिंग इज फॉर श्योर रबिया, कोशिश करूंगा आप ही की टीम से बात करके कि जो मैं यहाँ पे लाइव शो करता हूँ ना,
सैटरडे को जहाँ पे सिर्फ म्यूजिक की बात होती है. आई होस्ट द शो कॉल द मिर्ची टॉप 20. वो आप गूगल भी करेंगे तो आपको पता लगेगा. तो उसको हिंदुस्तान का हम सबसे बड़ा बॉलीवुड काउंटडाउन कहते हैं. लेकिन अगर मौका मिले तो आप और मैं साथ में शो पे बात करेंगे, वेयर आई थिंक इट विल बी द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ रेडियो द टू रेडियो जॉकीज फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान आर गोइंग टू को होस्ट शो टुगेदर, जहां पे आप बता सकती हैं कि पाकिस्तान की जो पब्लिक है उनको ये गाने कैसे पसंद आ रहे हैं, एंड देन आई कैन प्ले दोज सॉन्ग्स फॉर यू. वाओ, वुड लव टू, ऑलवेज अमेजिंग. तो इंतजार रहेगा इंशाल्लाह, विल डू इट टुगेदर. अच्छा अब मुझे ये बताएं, क्रिकेट पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं. इस बार आपकी टीम में विराट कोहली साहब नहीं है, आप सपोर्ट कीजिए अपनी टीम को. अरे यार क्या करने वाले हैं, क्या प्लानिंग है? ये बात जरूर उठेगी. तो जिस तरीके से इंग्लैंड में हमारी हालत हुई है, मैं कोई एक्सक्यूज नहीं देना चाहता, मैं कोई दलील नहीं पेश करना चाहता, बट इवन दो स्कोरलाइन जो है वो 4-1 था, आई थिंक ये टेस्ट सीरीज जो हम जीत सकते थे. लेकिन देखो विराट कोहली जो है ना वो एक तरीके से कैटलिस्ट प्लेयर है हमारे लिए. तो जब वो टीम में खेल रहा होता है तो सामने वाली जो ऑपोजिशन टीम होती है उनके ऊपर प्रेशर ऑलरेडी आ जाता है. तो अभी तक जब पाकिस्तान हमारे साथ खेलता था और विराट कोहली टीम में होते थे तो फोकस रहता था विराट पे. लेकिन अब हमारी टीम जो है वो विराट के बिना भी काफी स्ट्रांग है. और रोहित शर्मा इज द कैप्टन. सो अब एक प्लेयर पे नहीं, अब आपको 11 के 11 खिलाड़ियों पे ध्यान देना पड़ेगा. ओके ओके ठीक है. तो आपको लगता आपके आमिर भाई खेल रहे हैं क्या? यस यार अगर मेरे को कोई बोलर है जिससे डर लगता है तो वो है आमिर. अच्छा. क्योंकि वो बंदा जो है कमाल का है यार. ठीक है तो भाई सरफराज की कप्तानी में हम ये खेल रहे हैं और हमें अपने कैप्टन पे बड़ा भरोसा है कि बड़ी तैयारी के साथ उन्होंने स्टेटमेंट भी ऐसे दिए हैं. वैसे स्टेटमेंट तो खैर दिए ही जाते हैं लेकिन स्टेटमेंट के साथ साथ कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज भी काफी मैटर करता है. बिकॉज जब हम बात करते हैं कि हम भारत से मैच आमना सामना होने वाला है, हम खेलने वाले हैं, तो उस वक्त लग पता जाता है जब आप बात भी कर रहे होते हैं तो. बिकॉज इट्स नॉट एन इजी, बिकॉज वो अगेन हम प्रेशर की बात कर रहे थे. बट एक चीज मुझे समझ आ गई है क्योंकि मैं आई थिंक बचपन से ही क्रिकेट देखता हुआ आ रहा हूं कि मैच शुरू होने के पहले आप जो भी स्टेटमेंट्स दें, पहले के 10 ओवर जब हो जाते हैं ना तब आपको समझ आ जाता है कि कौन सी टीम का पगड़ा भारी है. तो आई थिंक जब हम लोग 19 तारीख को मैच खेलेंगे द फर्स्ट 10 ओवर्स विल बी रादर क्रूशियल. एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. और सारी की जितनी भी बातें की होती हैं वो धरी की धरी रह जाती हैं जब आप मैदान में उतरते हैं. बिकॉज बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप प्लान करते हैं लेकिन प्लानिंग के हिसाब से अमूमन काम हो नहीं पाता है क्योंकि ग्राउंड पे जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं तो प्रेशर इतना होता है. जैसे कि हमारे आफरीदी हैं और वो हमेशा बड़ी तैयारी के साथ जाते हैं और हमको बड़ा भरोसा होता है कि इस बार आप कुछ कर लेंगे, लेकिन वो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत ज्यादा हिट करने की वजह से वो सीन आउट हो जाता है. जी तो थिंग्स आर नॉट. तो ये हर बार होता था मेरे ख्याल से. होता था हो जाता है, यही तो मैं बात आपसे कह रही हूँ कि हो जाता है. बट जो आप प्लान करते हैं अमूमन चीजें वैसी नहीं होती हैं. तैयारी लेकिन अपनी भरपूर करनी चाहिए. क्रिकेट जो यार वो स्पोर्ट के ऊपर है और अगर देखा जाए तो हम कहते हैं कि क्रिकेट जो है इट्स अ टीम स्पोर्ट. बट इस बात में भी थोड़ा सा एक डिलेमा होता है या एक पॉइंट है कि इवन दो क्रिकेट खेलते 11 खिलाड़ी हैं लेकिन जब बात आती है मुकाबले की तो इट इज ऑलवेज अ वन ऑन वन स्पोर्ट. एक बॉलर होता है और सामने एक बैट्समैन होता है और अगर बॉलर की गेंद जो है वो सही जगह पड़ गई तो बॉलर जीत गया और अगर बैट्समैन ने उठा के मार दिया तो बैट्समैन जीत गया. तो इसलिए इट ऑल समटाइम्स बॉयल्स डाउन टू वन प्लेयर वर्सेस द अदर. तो अगर 19 तारीख को हमारे खिलाड़ी जो हैं वो वन ऑन वन बैटल्स में जीत गए तो हो सकता है मैच हमारा हो जाए. और अगर उस दिन आपके बॉलर हम पे भारी पड़ गए तो फिर पिछले बार जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ था सेम टू सेम स्क्रिप्ट जो है वो दोहरा नहीं जाए. हमें ऐसा लगता है कि 19 सितंबर को होने वाले मैच में हमें मोहम्मद हफीज भी बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेंगे बिकॉज उनको हमने बैकअप पे सच रखा हुआ बिकॉज ही कुड बी यूज. यू नो रविया एक तो बात ऐसी है कि दुबई की जो कंडीशंस है ना वो इस टाइम पे हालांकि मतलब गर्मी जो है वो काफी ज्यादा थी बट द वन थिंग विच इज एडवांटेजेस फॉर बोथ आर टीम्स व्हेन वी प्ले इन दुबई इज के कंडीशंस जो है वो सिमिलर रहते हैं जो सब कॉन्टिनेंट में हमें मिलते हैं राइट जो पाकिस्तान में मिलते हैं और जो इंडिया में मिलते हैं. लेकिन एक चीज जो है वो आप शायद मेरे साथ अग्री करें दैट बिकॉज इंग्लैंड में हम लोग बहुत बुरी तरीके से हार के आए हैं इवन दो कॉन्फिडेंस हमारा काफी हाई था और काफी सारे मैचेस हम जीत सकते थे
यू नो द टीम विल नो दैट बिकॉज हम लोग पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं, बिकॉज सबकी नजरें हम पे हैं, एंड बिकॉज इंग्लैंड के साथ हम काफी बुरी तरीके से हारे हैं, हमें एक एडेड इम्पेटस मिलेगा कि हमें अच्छा परफॉर्म करना है. आप समझ रही हैं? बिकॉज द बैक्स आर अगेंस्ट द वॉल. अब जीतना ही जीतना है, हमारे पास और कोई चांस नहीं है, और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, और हमारे पास ये प्रूव करने का सबसे बड़ा मौका है. एंड आई थिंक बिकॉज रोहित शर्मा टेस्ट सीरीज नहीं खेले थे एंड ही इज फार यू नो फ्रेशर इन कंपैरिजन टू विराट कोहली हु इज गॉन अंडर लाइक अ लॉट ऑफ प्रेशर. आई थिंक दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग दैट हमारा कप्तान जो है वो फ्रेश है, विच मीन्स आइडियाज फ्रेश होंगे और वो सोच पाएगा. राइट. अच्छा, हमारे पास मोहम्मद हफीज नहीं है लेकिन फखर जमान है, और रिसेंटली उनकी जो परफॉर्मेंस है दैट वाज वर्थ वॉचिंग, और बहुत जबरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया और उसको पूरे पाकिस्तान में सराहा गया, उनका अप्रिशिएट किया गया, और बड़ी जबरदस्त सिलसिला भी रहा अवार्ड सेरेमनी. वन थिंग अबाउट फखर जमान जो आपके ओपनर हैं, अगर आपको याद है जो इंग्लैंड में पिछली बार चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी उसमें जो फाइनल था उसमें फखर ने वो सेंचुरी मारी थी, एंड वो सेंचुरी ही सबसे ज्यादा भारी पड़ गई थी हम पे, बिकॉज बैटिंग फर्स्ट जब आपका एक प्लेयर जो है वो सेंचुरी मार लेता है एंड ही यू नो लाइक पुट्स द अदर टीम अंडर प्रेशर. तो एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा, क्योंकि मैं जब कह रहा हूं कि मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूं वो इसलिए नहीं क्योंकि मैंने क्रिकेट बहुत देखा है, मैंने क्रिकेट खेला भी है तो मुझे समझ आता है. जब मैं फखर को बैटिंग करते हुए देखता हूं तो वो मुझे काफी ज्यादा सईद अनवर की याद दिलाते हैं जो 90s में सईद अनवर ओपनिंग किया करते थे जी. क्योंकि सईद भाई जो है उनका गेम बड़ा सिंपल हुआ करता था व्हेन ही यूज टू कम एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, कि स्टार्टिंग में मैंने थोड़ी सी अग्रेसिवली बैटिंग करनी है एंड जितने मेरे को स्कोरिंग शॉट्स मिले वो मैं स्कोर करूंगा उनपे, एंड देन वो मिडिल ओवर में कंसोलिडेट करना स्टार्ट करते थे. एंड ही वॉज द कहते हैं ना कि एक एक्सिस जिसके इर्द गिर्द पूरी टीम जो है वो घूमती थी. तो सईद भाई अगर बैटिंग अच्छी कर गए तो फिर नीचे इजाज अहमद, इंजमाम उल हक, सलीम मलिक, ये सारे प्लेयर आके अच्छा खेल जाते थे. सो मेरे को फखर जो है वो सईद भाई की याद दिलाते हैं, बिकॉज इफ ही प्लेज वेल ऑटोमेटिकली आपके बाकी खिलाड़ी जो उनको कॉन्फिडेंस मिल जाता है, एंड दैट इज वेयर आई थिंक हमारे बोलर्स जो हैं उनको फखर का विकेट लेना बहुत जरूरी है, वरना ये फखर जो है हम पे जख्म बन के निकल जाएगा. तो हमारे लिए तो फखर है और हमें उन पर फखर है कि वो जो है बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे. तो इफ इट स्टार्ट्स वेल देन कहते ना बिगिनिंग अच्छी हो तो. बताओ मेरे को, तुम्हें हमारे कौन से प्लेयर से थोड़ा बहुत डर लग रहा है? क्या लगता है कि कौन सा प्लेयर जो है वो शायद अपने दिन भारी ना पड़ जाए? मुझे धोनी बड़े जबरदस्त किस्म के प्लेयर लगते हैं, बिकॉज वंस ही स्टार्ट प्लेइंग तो फिर वो अच्छा खेलते हैं. साथ मुझे जिनके शॉट्स बहुत ज्यादा पसंद है वो रोहित हैं, उनकी जो पेस होती है जिस तरह से वो शॉट मारते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो जो बॉल हिट होती है उसके बाद डायरेक्टली आउट ऑफ द बॉर्डर या वो उस पार जाती है. तो यहाँ पर मुझे ये चीज अच्छी लगती है कि हमारे कौन से प्लेयर्स जो हैं वो उस दिन यू नो अच्छा परफॉर्म करते हैं, चाहे वो आपकी टीम में हो या मेरी टीम में हो. लेकिन आई थिंक इट्स अ गुड थिंग यार कि फाइनली एक साल के बाद हम लोग एक क्रिकेट मैच जो है वो खेल रहे हैं, एंड इंशाल्लाह आई थिंक आने वाले वक्त में मैं सिर्फ यही दुआ करूंगा कि ये सारे जो सियासी मुद्दे हैं ये खत्म हो जाएं, ताकि एक अच्छी बायलैटरल सीरीज हो जिसमें तीन टेस्ट मैच हो, तीन या पांच वनडे हो, दो T20 इंटरनेशनल्स हो, पूरी वाली सीरीज हो. लेकिन अब वो वक्त ही बताएगा. आप किस पे रिलाई कर रहे हैं सबसे ज्यादा? आपको क्या लगता है कि कौन कैंडिडेट है आपकी टीम में जो परफॉर्म करेंगे, जो सबसे अच्छा खेलेंगे? मेरा पूरा पैसा जो है वो रोहित शर्मा पे लगा हुआ है. ओके. आई रियली थिंक दैट रोहित शर्मा इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर. एंड अगर आप बोलर्स की बात करें तो अगर आपके पास आमिर है तो हमारे पास भी एक हुकुम का इक्का है जिसका नाम है जसप्रीत बुमराह. और वनडे में बुमराह जो है ही इज वेरी इफेक्टिव. तो ये दो खिलाड़ी जो है उनसे जरा बच के रहिएगा, बिकॉज अपने मतलब इनका अगर लक चल गया तो ऑन देयर डे दे आर अनबीटेबल. ठीक है. ओके, एंड व्हाट अबाउट खलील अहमद? देखिए प्लेयर तो बहुत सारे हैं, 11 के 11 खिलाड़ी हैं हम लोग. अच्छा, दैट्स व्हाई यू सेड कि आप 11 के 11 खिलाड़ियों से जो है केयरफुल रहिए. जी ओहो, ठीक है. ये वार्निंग जो है हम इसको जरा ध्यान से सुन के इसके ऊपर अमल करेंगे कि हमारे जो 11 ऑपोजिशन के प्लेयर्स हैं उनमें से कोई भी भारी पड़ सकता है. लेकिन आई टेल यू देयर इज वन गाय हु आई रियली हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर, एंड दैट इज योर कैप्टन सरफराज. बिकॉज
जिस तरीके के कप्तान रहे हैं, आई थिंक मिसबा के बाद मुझे लगता है कि सरफराज जो है वो सेम उस जोन में है एंड ही इज गॉट अ ग्रेट टीम, ही इज गॉट अ यंग टीम एंड आपकी फील्डिंग जो बहुत कमाल हो गई है. आई थिंक उसका पूरा जो क्रेडिट जाता है वो आपके कोच को जाता है. एंड देन यू गॉट दिस ब्रिलियंट ऑलराउंडर ऑल्सो कॉल्ड हसन अली हु वॉज वेरी वेरी ब्रिलियंट इन द लास्ट टाइम दैट वी प्लेड यू नो इन इंग्लैंड. तो प्लेयर्स अच्छे हैं बट ये वही बात हो गई ना यार कि 19 तारीख को भगवान किसके साथ है, किसका लक जो है वो उस दिन चल रहा है, इट ऑल विल डिपेंड ऑन दैट. या सो अच्छा मिली गाना कौन सा प्ले करने वाली हैं आप बताइए, फरमाइश कीजिए बताए. वैसे ये रिक्वेस्ट नहीं है लेकिन आपके लिए ऑल द वे फ्रॉम. अच्छा कौन सा गाना है आपकी प्लेलिस्ट में, मेरे को ये बता दीजिए. मेरे पास इस वक्त शफकत अमानत के लिए लाइंड अप है जो कि है शादी में जरूर आना फ्रॉम जोगी, ट्रैक कॉल्ड जोगी. बराबर अरिजीत का कौन सा गाना है, अरिजीत का कहिए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप बताइए. आपका फेवरेट कौन सा है? मेरा फेवरेट इस मौके पे नहीं होगा, आज जाने की जिद ना कर लो. रिसेंटली फेवरेट या फिर यूं कह लीजिए गुलों में रंग भरे. सो आई लव दैट सॉन्ग, आई लव दैट सॉन्ग जो इसमें से था हैदर से. या हैदर से जी. वुड यू लाइक टू लिसन टू दैट? चला दीजिए हमारे लिए, चला दीजिए. ओके ओके आपके लिए अभी प्ले करते हैं ये ट्रैक. आ ही गया है. रबिया अब जब हम फोन रखेंगे तो होपफुली आपकी जो टीम है, मेरी जो टीम है, हमारी फिर से बात होगी सो दैट यू एंड आई कैन डू द शो. लेकिन इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को पक्का फॉलो करेंगे. ऑलराइट डन डील. ठीक है ऑलराइट रबिया, ग्रेट टॉकिंग टू यू बाय द वे. सेम हियर सेम हियर सेम हियर. मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि हम वो कहते हैं ना टिपिकल भारतीय से बात कर रहे थे, हमें लगा कि हम बिल्कुल अपने पड़ोसी से बात कर रहे थे जो कि पड़ोसियों के हकूक हैं और जैसे उनका ख्याल किया जाना चाहिए. आपने भी वैसा किया और हमने भी कोशिश की है. हम ये चाहते हैं और हमारी तवक्को है कि ये जो मोहब्बत है जो हम आपस में एक कॉमन मैन एक दूसरे से करता है ये हमारे बॉर्डर्स में भी दिखे और अमन पीस हमारे मुल्क में और दोनों ममालिक में और ऑल द वे मतलब पूरे एशिया में हो, तो ये हमारे लिए पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छा होगा और हम ऐसी तरक्की करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें. बिल्कुल, कहते हैं ना कि यहाँ पे एक बात जो है अपने दोस्तों से भी करता हूँ कि बेशक देशों के नाम हिंदुस्तान है, बेशक देशों के नाम पाकिस्तान है, लेकिन रहते तो इनमें भी इंसान है. एग्जैक्टली बिल्कुल तुरंत फरमाया आपने. आपसे बहुत अच्छा लगा सुरैन बात करके, अपना बहुत ख्याल रखेंगे, इंशाल्लाह जल्दी बात करते हैं. ओके जी बिल्कुल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़.